जोमेटो डिलीवरी बॉय हत्या की गुत्थी सुलझी। नशे ने ली थी 30 वर्षीय जोमेटो डिलीवरी बॉय की जान। स्मैक पीने के लिए छीने थे पैसे, विरोध करने पर पेट में मारी गोली। दो बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार। 16 जनवरी की रात खाने की डिलीवरी देने जा रहा था 30 वर्षीय महेंद्र की। रास्ते में रोककर की थी हत्या। हत्या के बाद 7,000 रुपए कैश व मोबाइल लेकर फरार हो गए थे बदमाश। अधिक स्मैक पीने के लिए वारदात को दिया अंजाम। रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं दोनों बदमाश। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने देर रात किया गिरफ्तार। लंबे समय से नशे के आदि है दोनों आरोपी। दोनों आरोपियों पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। हरियाणा के रेवाड़ी में हुए जोमेटो डिलीवरी बॉय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग एरिया में खाक छानती रही और बदमाश शहर में ही हथियार लेकर घूमते रहे। सिटी पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने महेंद्र सिंह की हत्या का राज खोल दिया। दोनों के पास से वारदात में प्रयोग की गई देशी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। स्नैचिंग के बाद मार दी थी गोली। दरअसल 16 जनवरी की रात हरियाणा के पलवल जिले के गांव भूलीथल निवासी 30 वर्षीय महेंद्र सिंह को रेवाड़ी शहर के सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउनशिप के गेट पर गोली मार दी गई थी। महेंद्र सिंह रेवाड़ी में पिछले 3 माह से अपनी बहन के घर दुर्गा कॉलोनी में रहकर यहां फूड सप्लाई का काम करने वाली जोमेटो कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय कार्यरत था। उस रात भी वह जोमेटो पर आए ऑर्डर को देने के लिए अंसल में जा रहा था। तभी उसका पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे रोका और छीना झपटी शुरू कर दी। बदमाशों का विरोध करने पर उसके पेट में गोली मार दी गई। बदमाश उससे 7,000 रुपए कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। महेंद्र सिंह की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। स्मैक के नशे के लिए की थी वारदात। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हथियार लेकर खड़े हुए हैं। सूचना के बाद टीम ने तुरंत मौके पर रेड की और दोनों बदमाशों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान रेवाड़ी के सरस्वती विहार हाल निवासी गड़ी बोलनी रोड स्थित बीपीएल फ्लैट 13 ईडन गार्डन में रहने वाले कृष्ण उर्फ डैनी पुत्र मोहर सिंह व शहर की सती कॉलोनी में रहने वाले लियोन उर्फ लिटिल पुत्र विकास के रूप में हुई। पुलिस ने तलाशी ली तो उनके कब्जे से 1 देशी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने महेंद्र सिंह की हत्या का राज खोल दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी उस वक्त जोमेटो डिलीवरी बॉय महेंद्र सिंह के पीछे लगे हुए थे। अंसल के गेट पर सुनसान जगह देख उसे रोककर छीना झपटी शुरू कर दी। महेंद्र ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि दोनों ने पहले से स्मैक पी हुई थी और अधिक स्मैक पीने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गए, जिसके लिए महेंद्र सिंह से पैसे छीने और विरोध करने पर गोली मार दी। मॉडल टाउन थाना पुलिस बुधवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। आज की प्रेस वार्ता के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 16 तारीख को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली कि अंसल टाउन के जो बीपीएल फ्लैट हैं वहां पर कोई गोली चल गई है। ये शाम को 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। तो जिस सूचना पर SHO मॉडल टाउन भी, मैं भी और स्वयं SP साहब भी मौके पर जो पहुंचे थे, तो SP साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई। एक CIA की टीम, एक SHO सिटी की टीम और SHO मॉडल टाउन की टीम। तो तीनों टीमों को जो निर्देश दे करके वहां से रवाना कर दिया गया। तो सिटी SHO की टीम ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और बहुत सूझबूझ के साथ 24 घंटे से पहले ही जो दोनों आरोपी जिन लड़कों ने गोली मारी थी, महेंद्र नाम का लड़का था जिसको गोली मारी, वो उड़ीथल गांव हतीम का रहने वाला था, वो जोमेटो में यहाँ काम करता था। तो दो लड़कों को अरेस्ट किया शक की बिना पर और उन लड़कों से असला मिल गया। उनसे गहनता से जब पूछताछ की तो उन्होंने मॉडल टाउन वाली जो इंसिडेंट था, जो मर्डर उन्होंने जो किया था, उसके बारे में भी उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। क्या कुछ खुलासा हो? तो पाया कि वो दोनों लड़के, एक का नाम डैनी है जिसको डैनी और किरशन है, दूसरा लड़का है जो वो लियोन नाम से है, लियोन और लिटिल, दोनों नशे के आदी हैं। और लियोन अभी ही 10-12 दिन पहले ही जेल से बाहर निकला है। लियोन के ऊपर अब तक 16 मुकदमे दर्ज हैं और डैनी के ऊपर तकरीबन 5-6 मुकदमे दर्ज हैं। पहले से भी हीनेस क्राइम में दोनों इन्वॉल्व हैं और नशे के आदी हैं। तो उस दिन नशे के लिए इनके पास पैसे खत्म हो गए
और इन्होंने बाइक उठाई और पैसे कहीं छीनने के लिए ये निकल लिए। तो इनका ऐसा टारगेट नहीं था कि भाई इसी लड़के को टारगेट करना है, इन्होंने ये वारदात करनी ही थी कहीं भी करते ये पैसे छीनने वाली। तो इनको ये लड़का नज़र आ गया जोमेटो वाला और इसके पीछे ये हो गए और जहाँ सुनसान जगह दिखी तो वहाँ इसको रोक करके इसके साथ मारपीट की और छीना झपटी की। तो छीना झपटी में तकरीबन 700-800 रुपये थे उसके पास, उसका पर्स था और उसका मोबाइल था, वो इन्होंने खोस लिए, उससे छीन लिए। तो उसने उसका थोड़ा सा जैसे विरोध किया, तो विरोध करने पर जो ये लियोन नाम का लड़का है इसने गोली चला दी। तो गोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नशे के आदी हैं और पुराने ही क्रिमिनल हैं। ये तकरीबन 4-5 साल से लगातार इस क्राइम में उतरे हुए हैं, तो मारपीट के, 307 के, अपहरण के, तो इस टाइप के काफ़ी मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। सर लगत इसके लिए स्पेशल अभियान अभी भी जो चलाया जा रहा है, जो आज भी कंटिन्यू है, तो उसमें NDPS के खिलाफ, एक्साइज के और गैम्बलिंग और सट्टा के खिलाफ एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग इनमें जुड़े हुए हैं वो ही क्राइम को अंजाम देते हैं। कोई नशे के लिए करता है, कोई जुआ खेलने के लिए करता है, तो उसके लिए स्पेशल अभियान हमारे SP साहब ने चलाया हुआ है।